नमस्कार, वेलकम, सुप्रभात। आज सफरनामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पटना स्थित कुम्हरार पार्क का एक झलक देखेंगे और कुछ इसके महत्वों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का विषय कुम्हरार पार्क, इसकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं क्या है। प्राचीन साहित्यों में पाटलिपुत्र को पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर अथवा कुसुम ध्वज जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह एक छोटा सा ग्राम था। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के कुछ ही दिन पूर्व वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से मगध राज्य की सुरक्षा के लिए राजगृह के राजा अजातशत्रु के आदेश से एक किले का निर्माण होते देखा था। पाटलिपुत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए अजातशत्रु के पुत्र एवं उत्तराधिकारी उदयन ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तत्पश्चात लगभग हजार वर्षों तक पाटलिपुत्र भारत के महान राजवंशों जैसे सहसुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और गुप्त राजवंशों की राजधानी रही। यह स्थान शिक्षा, व्यापार, कला और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बना रहा। अशोक के समय यहाँ तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसी तरह प्रसिद्ध जैन संत स्थूलभद्र ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ एक संगीति का आयोजन किया था। पाटलिपुत्र तथा उसके नगर प्रशासन का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण मेगास्थनीज ने दिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यवन राजदूत के रूप में आया था। उसने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा नाम से संबोधित किया था। उसके लिखित विवरण के अनुसार यह नगर समानांतर चतुर्भुज की तरह था, जो गंगा नदी के तट पर पूर्वी पश्चिमी दिशा में 14 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर से और 1.5 किलोमीटर में फैला था। इस नगर की सुरक्षा बड़े बड़े लकड़ी के स्तंभों से युक्त सुरक्षा प्राचीर करते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम पुस्तक में शहर के चारों तरफ चौड़ी खाई एवं सुरक्षा प्राचीर युक्त द्वार एवं बुर्ज अथवा मीनारों का भी वर्णन किया है। उत्खनन के दौरान पटना के विभिन्न स्थानों यथा लोहानीपुर, बहादुरपुर, संदलपुर, बुलंदीबाग एवं कुम्हरार से लकड़ी के स्तंभों से युक्त संरचनाओं के अवशेष पाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1912 से 15 में डीबी स्पूनर के निर्देशन एवं सर रतन टाटा द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से कुम्हरार में कराए गए उत्खनन से 72 स्तंभों युक्त एक विशाल कक्ष प्रकाश में आया। तत्पश्चात 1951 से 55 में केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, जिसमें 8 अतिरिक्त स्तंभ तथा प्रवेश द्वार से लगे 4 स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद से यह 80 स्तंभों वाले कक्ष के नाम से सुविख्यात है। सभी स्तंभ काले, चित्तीदार, भूरे बलुए पत्थर से निर्मित है, जो एकाश्म तथा मौर्य कालीन विशिष्ट चमक से युक्त है। अपनी विशाल संरचना के कारण यह अवशेष अशोक के राजमहल, जन सामान्य मंत्रणा कक्ष, मौर्य का सिंहासन कक्ष, मनोरंजन कक्ष या अशोक के समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल आदि के रूप में जाना जाता है। केपी जायसवाल शोध संस्थान द्वारा किए गए उत्खनन में गुप्त कालीन ईंटों से निर्मित संरचनाओं के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसकी पहचान आरोग्य विहार या चिकित्सा युक्त एक विहार के रूप में किया गया है। इसका आधार वहां से प्राप्त पक्की मिट्टी की लिखित मुहरे है, जिस पर श्री आरोग्य विहार विक्षु संघस्य उत्कीर्ण है। इसके अलावा लाल मृद भांड के टुकड़े मिले थे, जिन पर धनवंतरह शब्द उत्कीर्ण था, जो संभवतः आरोग्य विहार
के मुख्य चिकित्सक थे। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी द्वारा इस चिकित्सालय को चलाया जाता था। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं में तांबे के सिक्के, आभूषण, अंजन सलका, पक्की मिट्टी व पाषाण निर्मित मनके, पक्की मिट्टी निर्मित चक्र, मुहर, खिलौने, मानव पशु एवं पक्षी आकृतियां, हाथी दांत, निर्मित कलाकृतियां तथा मिट्टी के पात्र मुख्य हैं। कुम्हारपुरा स्थल पर निर्मित प्रदर्शनी कक्ष में इस पुरास्थल से प्राप्त प्राचीन अवशेषों, प्राचीन लिपियों, उत्खनन के छाया चित्रों एवं प्रतिकृतियों के माध्यम से जन सामान्य को पाटलिपुत्र के गौरवमय अतीत की कथा को समझाने का प्रयास किया गया है। ये स्तंभ है पिलर, किसी खुदाई स्थल से प्राप्त यह स्तंभ है। इस पर कुछ अंकित नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ पत्थर के टुकड़े अवशेष पड़े हुए हैं। यह अवशेष शायद मौर्यकालीन म्यूजियम है। के चलो और घूमना है अभिषेक जी, तरफ फिर से पढ़ने अभिषेक सर और घूमना है नहीं, ये जगह काफी अच्छा रहा। आप अपना बताइए, कुछ अनुभव हमारा बहुत अच्छा है। अनुभव बताइए, आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? यहाँ से कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मनोरंजन बातें, सब कुछ हमें देखने को मिला, सुनने को मिला। हाँ, ज्ञान की बातें आपको क्या मिला ये बताइए? ज्ञान की बातें ये मिला कि मगध का जो मेन, कई दिन से हम आपको बता रहे थे इस कुम्हरार पार्क के बारे में, सोच रहे थे लेकिन हम लोग नहीं आ पा रहे थे, तो आज संडे इतवार को इस मौके को मनाया गया है, तो हम लोग चल पड़े आज कुम्हरार के लिए और आज हम लोग कुम्हरार में पहुंचे। ये वीडियो बिना एडिटेड बनाया गया है। हाँ, तो इसमें हमारे फोन सेलफोन से बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लगा कुम्हरार में आकर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जरूर जरूर।